गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने मौर्य डायनेस्टी को कंप्लीट कर लिया था, और मौर्य डायनेस्टी कंप्लीट होने के बाद मैंने एक सुंग डायनेस्टी जो थी, जिनका मौर्य के बाद राज हुआ था, उसको अपन ने कंप्लीट किया। तो मैं अब जो है पोस्ट मौर्य डायनेस्टीज पढ़ा रहा हूँ, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद भारत में राज किया था। ये वीडियोज़ जो हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे आप UPSC दें, MPPSC दें, SSC, CGL दें, CHSL दें, रेलवेज दें, सभी के लिए दे आर मच मोर कंटेंटफुल। ठीक है, तो आप कोशिश करें इनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उठाने की। मौर्य डायनेस्टी को ख़त्म कर लिया था। मौर्य डायनेस्टी के आखिरी राजा की हत्या करने के बाद उनका जो वायसराय था, जिसका नाम था शुंग पुष्यमित्र, उस पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी, और शुंग डायनेस्टी को मैं लास्ट क्लास में कम्प्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद जो है इसको अपन आज देखेंगे कुछ। अब मैं आज फॉरेन इन्वेजन करा रहा हूँ, तो मैं आपको एक मिनट एक क्लिप बताता हूँ, उससे अपन आगे की चीज़ पड़ेगी। आज अपन इंडो ग्रीक का जो है भारत में इन्वेजन को देखेंगे, उसके बाद सकोर का इन्वेजन भारत में देखेंगे। ये पढ़ाने का मेरा तरीका है, मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। पोस्ट मौर्य डायनेस्टी अभी चल रही है, इसमें मैं सारी चीज़ें लूँगा। और ये है, इसके पहले के अगर आप वीडियो देखना चाहें तो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जाके देखें, तैयारी करें उससे। ये दो सेकंड में इसको देख लेते हैं, पढ़ाने का मेरा तरीका। देखिए, मौर्य डायनेस्टी जब ख़त्म हुई थी तो मौर्यों का पूरा जो राज्य था वो ऊपर से लेकर नीचे तक था, और इधर से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक था। जब मौर्य चले गए आखिरी राजा के समय तक, मौर्य साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे पूरा ही टूट गया था। और जब वो पूरा टूटा तो छोटे छोटे राजा उभर कर आ गए। तो जो नॉर्थ इंडिया के जो पूरा एरिया था उनका, नॉर्थ इंडिया का ऊपर जम्मू कश्मीर और हिमालय से लेके जो है अपना नॉर्थ नॉर्थ वाला जो पूरा एरिया था, साउथ को छोड़ दें, तमिलनाडु वगैरह और कर्नाटक और इनको छोड़ने के अलावा ऊपर का जितना भी पूरा एरिया था वो इन चार डायनेस्टी ने कवर कर लिया। ठीक है, शुंग डायनेस्टी में पढ़ा चुका हूँ, जो मौर्यों के इमीडिएट सक्सेसर रहे हैं, ये वो सक्सेसर थे जो नेटिव थे, जो यहीं के रहने वाले थे, जो मौर्यों के अंडर में किसी ज़माने में कार्य करते थे। और मौर्य जब ख़त्म हुए तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपनी डायनेस्टी चला डाली और खुद ही राजा बन गए। एक शुंग डायनेस्टी में कंप्लीट, उसके बाद कानवा डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी और चेदी डायनेस्टी, ये नॉर्थ इंडिया में इनका बोलबाला हो गया। साउथ इंडिया में जो है, साउथ इंडिया में चेर, चोल और पांडे, ये तीन वंश जो है साउथ इंडिया में आए, और भी हैं इनके अलावा, ये मोटे हैं। ठीक है, छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं ऊपर भी नॉर्थ इंडिया में, पर मेजर जिनके बारे में अपने को डिटेल में, ये वो हैं जो नॉर्थ इंडिया में अपन पे, ये वो हैं जो साउथ इंडिया में चले। कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के थे ही नहीं, परंतु जैसे ही मौर्य डायनेस्टी टूटी, दुनिया भर में खबर हुई, तो बाहर के भी लोगों ने भारत में आक्रमण किया, भारत में हमला किया, ताकि भारत को विजय प्राप्त कर सके। ठीक है, उनमें सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक। मैंने शुंग डायनेस्टी पढ़ा दी थी, बहुत सारे लोग ये पढ़ाते हैं कि इस पहले इनको पढ़ा देते एक साथ, फिर इनको पढ़ा देंगे, फिर इनको पढ़ा देंगे। इसको एक रजिस्टर में लिख लिया आपने सबको, फिर दूसरे रजिस्टर में इसको लिखा, तीसरे रजिस्टर में इसको लिखा, है ना। तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, यार वही सन इसमें लिखा हुआ है, वही सन इसमें भी लिखा हुआ है, और वही सन जो है वो ईयर इसमें भी लिखा हुआ है। आपको समझ में आएगा, यार ये पहले आए थे कि ये पहले आए थे कि ये। तो मेरा तरीका ये रहेगा कि मैं क्रोनोलॉजिकल पढ़ाऊंगा, जो पहले आया उसको पढ़ाऊंगा मैं। शुंग डायनेस्टी इमीडिएट सक्सेसर थे किसके, मौर्य डायनेस्टी के। तो मैंने मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंग डायनेस्टी को ख़त्म करवाया। अब शुंगों के साथ साथ, जिसे शुंग डायनेस्टी ख़त्म होने वाली थी, फिर जो है इधर से ये लोग आ गए, इंडो ग्रीक और वैक्टेरियन लोग। ठीक है, तो मैं अब इनको करवा रहा हूँ, फिर जो इसके बाद आएगा मैं उसको करूँगा। ठीक है, अगर बीच में ये लोग क्रोनोलॉजिकली पढ़ूंगा सन वाइज, कि अगर ये हो गया है तो इसके ये पढ़ेंगे, इसके बाद अगर ये आया होगा तो फिर मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये आया होगा तो फिर मैं ये पढ़ूंगा, इस प्रकार से नहीं। ये केवल एक चार्ट है ताकि आपको समझ में आए कि नॉर्थ इंडिया में ये साम्राज्य धीरे धीरे अपन बड़े हुए, फिर साउथ इंडिया में धीरे धीरे ये बड़े हुए, और ये कई सालों तक चली है ना प्रोसेस, कई सौ सालों तक ये चलते रही है राज्य। अब इसलिए इसके बाद कौन आया आपको क्रोनोलॉजी कर पढ़ेंगे तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। शुंग डायनेस्टी में कंप्लीट करवा चुका हूँ, अब जो मैं करवा रहा हूँ इंडो ग्रीक। अब अपन देखेंगे इंडो ग्रीक भारत में इन्वेजन। ग्रीक लोग, अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना है। जब मैंने मौर्य डायनेस्टी पढ़ाई थी तो मौर्य डायनेस्टी के पहले भारत में जो एक वंश था जिसका नाम था नंद डायनेस्टी या नंद वंश, और नंद वंश का आखिरी राजा था धनानंद, और धनानंद की हत्या करने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो धनानंद के समय भारत में एक महान राजा का इन्वेजन हुआ था, महान राजा का आक्रमण हुआ था, परंतु जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। और वो सिकंदर महान भारत में आ नहीं पाया क्योंकि उसकी पोरस से लड़ाई हुई, और वो जो है नॉर्थ इंडिया में व्यास नदी तक आते आते ही वापस चला गया, वो भारत के अंदर नहीं आ पाया। ठीक है ना, ये अपन ने सब मौर्य डायनेस्टी में, महाजनपद में, मौर्य डायनेस्टी में अपन ने ये सब चीज़ें देख ली थी। अब
पर ये जो अब इंडो ग्रीक आएंगे ये अलेक्जेंडर के वंशज हैं, ठीक है। और जब अलेक्जेंडर का साम्राज्य, क्योंकि वो अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर राज किया था, वो भी जब ख़त्म हुआ, वो भी जब मरा, तो उसका पूरा साम्राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से कुछ नए नए जो है वंश उभर कर आएंगे, जिनको अब अपन देखेंगे देखेंगे फटाफट। आफ्टर अलेक्जेंडर इन्वेटेड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, वन ऑफ हिज जनरल सेल्यूकस निकेटर फाउंडेड द सेल्यूसिड एम्पायर। अलेक्जेंडर के मरने के बाद उसका एक वफादार जो था सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसी ने जो है एक सेल्यूसिड एम्पायर की, सेल्यूसिड राज्य की स्थापना करी, ठीक है, सेल्यूसिड राज्य की स्थापना। आफ्टर अलेक्जेंडर डेड हिज वास्ट एम्पायर वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज जनरल। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसका जो पूरा राज्य था वो अलग अलग जनरलों में, जो उसके सेनापति थे बड़े बड़े, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र डिसाइड कर लिए कि ये क्षेत्र मेरा, ये क्षेत्र इसका। तो वो क्षेत्र से सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया बिलोंग टू द सेल्यूसिड एम्पायर, ठीक है। तो सीरिया हो गया, ग्रीक हो गया, पार्थियंस हो गए, ये जो पूरा एरिया था, इस पूरे को सेल्यूसिड एम्पायर कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर अलेक्जेंडर रिटर्न फ्रॉम हिज कंट्री हिज रूल इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये बात तो अपने को पता है कि अलेक्जेंडर जब यहाँ भारत से गया तो वो भारत को जीत नहीं पाया, वो यहाँ पे एक पत्थर रख के चला गया कि मैं यहाँ यहाँ तक आया था, फलाना फलाना राजा को हरा कर जो है मैंने यहाँ पर अपने वो कर दिया। पर भारत में जैसे जब वो लौट के गया ना, उसके 3 साल बाद ही उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई या हत्या हो गई, तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो है उसका साम्राज्य टिक नहीं पाया, और उसकी जो उत्तराधिकारी वो यहाँ छोड़ के गया था वो इतने योग्य थे नहीं, क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, और ये तो बिल्कुल एक कोने वाला पार्ट था अपना वाला उन लोगों के लिए, क्योंकि उनका मेन जो सेंटर था वो तो ग्रीक था, और यहाँ तो अपन पूरा आउटर में थे, जो हिंदुस्तान वाला एरिया था उनके लिए आउटर में पड़ता था, तो यहाँ पर उनका कंट्रोल था नहीं। तो ये ईजिली जो है अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उनके कंट्रोल से फ्री हो गया, ठीक है। पार्थियंस एंड बैक्ट्रियंस विच वर द पार्ट ऑफ सेल्यूसिड एम्पायर, जो पार्थियंस थे और बैक्ट्रियंस जो थे, जो इस सेल्यूसिड एम्पायर का, जिसकी स्थापना सेल्यूकस निकेटर ने करी थी, ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम द सेल्यूसिड एम्पायर। इन्होंने अपने आप को सेल्यूसिड से तोड़ने की कोशिश करी, है ना। सेल्यूकस निकेटर ने 3-4 देशों को मिलाकर अपने एक राज्य बना दिया कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ। कौन कौन से राज्य थे वो? सीरिया था, अभी बैक्ट्रिया था, और पार्थिया। ये 3 देश मिलाकर जो है भाई ने अपने सेल्यूकस निकेटर ने बोला कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ। पर यहाँ के जो लोग थे, बैक्ट्रिया के, पार्थिया के लोग, ये लोग परेशान हो गए थे, तो इन्होंने अपने आप में यहाँ पे विद्रोह चालू हो गया, और ये लोग जो है सेल्यूकस के जाल से छूटना चाहते थे, फ्रॉम द सेल्यूसिड एम्पायर, ठीक है ना। ये लिखा भी है, पार्थिया एंड बैक्ट्रिया ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम द सेल्यूसिड एम्पायर, उनके से जाना चाहते थे उसके चंगुल से। प्रोबेबली द बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर डिडियस डिक्लेयर्ड टू इंडिपेंडेंट इन 250 BC, और इसी के तहत सन 250 BC में जो बैक्ट्रिया का जो राजा था डायोडोटस, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं अब सेल्यूकस निकेटर के राज्य में नहीं हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, अब मैं स्वतंत्र राजा हूँ। जैसे अपने यहाँ होता था कि छोटे छोटे राजा, जब राजा बड़ा राजा कमज़ोर होता तो छोटे राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते, वैसे ही वहाँ पर हो रहा था। अलेक्जेंडर मरा तो सेल्यूकस निकेटर हुआ, सेल्यूकस निकेटर जब कमज़ोर पड़ा तो जो छोटे छोटे राज्य उसने कवर कर रखे थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो सेल्यूकस निकेटर ने एक बैक्ट्रिया को स्वतंत्र राज्य बना था जो उसके अंडर में था, उसने अपने आप को घोषित कर दिया स्वतंत्र, और वो फ्री हो गया। उसका राजा था डियोडोटस बैक्ट्रिया का। पार्थियंस आल्सो बिकम इंडिपेंडेंट, उसके बाद जो है इनको देख के पार्थियन ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। द बैक्ट्रियन किंगडम वॉज स्ट्रांग इनफ इन द फर्टाइल लैंड बिटवीन द हिंदू कुश माउंटेन एंड अक्षु रिवर। जो बैक्टीरिया वाले थे, बैक्टीरिया वाले जो राज्य था, ये बैक्टीरिया वाला राज्य दो कहाँ से कहाँ तक फैला था? ये जो बैक्टीरिया वाले थे, जैसे ये 3 चीज़ों से मिलके बना है ना, सीरिया, बैक्टीरिया और पार्थिया, ये 3 राज्यों से मिलके जो है सेल्यूकस निकेटर का पूरा देश बना हुआ था, पूरा राज्य बना हुआ था। तो इनमें जो बैक्टीरिया वाला पोर्शन है, ये पोर्शन था अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ी से लेकर तुर्की में एक नदी है जिसका नाम है अक्षु नदी, आज भी है। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तैयारी करवाएंगे आपको ज्योग्राफी की, तो उसमें नदियों में अक्षु नदी तुर्की में है। तो हिंदू कुश से लेकर तुर्क की अक्षु नदी के बीच का जो राज्य था वो था बैक्टीरिया वाला राज्य, और ये नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो यहाँ बारिश भी होती थी और बहुत पानी भी था, व्यवस्था सब बढ़िया थी, रिसोर्सेज बहुत थे इस क्षेत्र में। इस वजह से बैक्टीरिया जो था इन तीनों में, सीरिया, पार्थिया और इनमें, बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होने के कारण सबसे ज़्यादा मजबूत था और वो सबसे ज़्यादा सशक्त था। उसके पास यही था, मौर्यों की जीत का भी यही कारण था, क्योंकि उनके पास गंगा वैली थी, गंगा वाला जो पूरा उत्तर प्रदेश बिहार वाला पाटलिपुत्र पटना, वहीं पे वो लोग रहते थे, उनके पास वो वाला क्षेत्र जो फर्टाइल था, उनके पास रिसोर्सेज बहुत थे, ठीक है ना। और जब रिसोर्सेज होते तो वो राजा सबसे ज़्यादा
महान बनते जाते हैं। तो ऐसा ही बैक्टीरिया वालों के पास था, धीरे धीरे इनके पास भी नदियाँ और ये सब अपने आप ही नेचुरली मिल गई, तो इनके पास भी रिसोर्सेज बढ़ा और बैक्टीरिया एक नया देश या नया राज्य बन के पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, ये यहाँ तक इतनी स्थिति क्लियर है आपकी। देखेंगे हम सेल्यूका सीडेड ए लार्ज पार्ट ऑफ द वेस्ट ऑफ द इंडस इंक्लूडिंग द हिंदू कुश प्रेजेंट डे अफगानिस्तान टू बलूचिस्तान टू द मौर्य किंग। आफ्टर दिस मेगास्थनीज वाज सेंट टू रेसिड इन चित्रगुप्त मौर्य कोर्ट, अदर ग्रीक रेसिड इन मौर्य कोर्ट वर्ड, है ना। ये वही सब चीज़ें हैं, सेल्यूकस निकेटर के बारे में बता रखा है कि सेल्यूकस निकेटर का राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक मेगास्थनीज नामक व्यक्ति को भेजा था जो जिसने बाद में इंडिका लिखी। इसके अलावा दो तीन और राजदूतों को भेजा था जिनका नाम था डायमेकस और डायनाशियस। ग्रीक पॉपुलेशन लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर इज एविडेंस ऑफ द अशोक एडिट। मौर्य ऑल्सो डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ द फॉरेन लाइक ग्रीक्स एंड पर्शियंस इन एंशियंट इंडस ग्रीक्स आर कॉल्ड यवन इन संस्कृत। ठीक है ना, तो ग्रीक लोगों को जो है पहले ग्रीक नहीं बोला जाता था, उनको बोला जाता था यवन। बस इतना याद रखना आप, ये स्थिति क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि राजाओं की क्रोनोलॉजी। जैसे अपन ने अभी मौर्य डायनेस्टी पढ़ी, तो मौर्य डायनेस्टी में अपने एक के बाद एक राजा पढ़े। ठीक है ना, तो अब अपन बात करेंगे जो फॉरेन इन्वेजन हुआ बैक्टीरिया का, इंडो ग्रीक बैक्टीरियाज का। ठीक है, जो एक नया राज्य उभर के जो देश भरा उभरा और वो उसने भारत में राज्य किया, तो उनकी क्रोनोलॉजी देखेंगे कि उसमें एक के बाद एक कौन राजा आया और किसने भारत में सबसे ज़्यादा समय बिताया। ठीक है, इसको अपन डिटेल में देखेंगे। तो पहला राजा था वो था एंटियोचस सेकेंड। एंटियोचस सेकेंड वॉज द किंग ऑफ द हेलेनिस्टिक सेल्यूसिड किंगडम मार्च टुवर्ड्स इंडिया एंड डिफीटेड द इंडियन किंग शुभकसेना इन काबुल। ठीक है ना, शुरुआती दौर में सेल्यूकस निकेटर के मृत्यु के बाद जो एंटियोचस सेकेंड जो है वो राजा बनता है। अब एंटियोचस सेकेंड जो राजा जब बनता है तो ये सेल्यूसिड किंगडम जो पूरा राज्य था सेल्यूसिड का, जिसमें सीरिया भी था, पार्थियन भी थे, बैक्टीरियंस भी थे, उस पूरे का ये राजा बनता है। और जब ये राजा बनता है तो ये भारत पर आक्रमण करता है फिर से, और भारत पर आक्रमण करके ये भारत का भारत, क्योंकि उस समय का अफगानिस्तान पाकिस्तान सब भारत के हिस्सा होते थे, तो अफगानिस्तान का इस समय राजा था शुभ सेना। उस शुभ सेना को हराकर इसने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, परंतु वो भारत नहीं आया क्योंकि वो भारत का हिस्सा था, तो इसलिए बोला जा रहा है कि उसने इंडिया पर कब्जा कर लिया, पर वो इंडिया तो आई नहीं, वो अफगानिस्तान तक ही रुका और अफगानिस्तान में अपने भाई को हरा के, कौन सा सेना है ये, शुभ सेना को हरा के जो है उसने घोषित कर दिया कि मैं अब हिंदुस्तान का भी राजा हूँ। पर तो हिंदुस्तान वालों को तो पता ही नहीं था कौन राजा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ फिर देखेंगे। फिर आया डायोटोटस, है ना, इसके अंडर में पूरा सेल्यूकस वो था। जब इसके सक्सेसर अच्छे से काम नहीं कर पाए, ठीक है, एंटियोचस के, और एंटियोचस का जब साम्राज्य जो है वीक पड़ता गया, तो जो पूरा सेल्यूसिड वाला था जिसमें सीरिया बैक्टीरिया और था, तो बैक्टीरिया जो था सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने भी आपको बताया। तो बैक्टीरिया में एक छोटा सा राजा उभर के, फिर नेता उभर के आया जिसका नाम था डियोडोटस, और इस डियोडोटस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो डियोडोटस अप्रॉक्सीमेटली इन 250 BC डियोडोटस वाज द गवर्नर ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का गवर्नर था, परंतु जैसे ही ये सेल्यूसिड किंगडम कमजोर पड़ा, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, प्रोक्लेम्ड हिज इंडिपेंडेंस, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट सच इंडिपेंडेंट रूलर, और इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बस इसका इतना ही है, इसने भारत पर आक्रमण वगैरह कुछ नहीं किया, इनको कोई लेना देना नहीं था। अब इसके नीचे आएंगे, अब ये है इथुडिमस फर्स्ट, ही ओवरटर्न द डायनेस्टी ऑफ डायोटस ऑफ बैक्टेरियन बिकम द ग्रीक बैक्टेरियन किंग। इसके बाद जो है इस भाई ने, इथुडिमस ने डियोडोटस को हरा कर जो है इसकी डायनेस्टी, इसके राज्य को ओवरटर्न करके जो है बैक्टीरिया का ये नया राजा बना इथुडिनस। ठीक है, इसको नाम ऐसे ही होते हैं इनके। अब इसके बाद अपन देखेंगे डिमेट्रियस फर्स्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ये तीन राजाओं की आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई। अब अपन चौथा राजा देखेंगे डिमेट्रियस का। अब इसमें क्या हुआ, अब ये समय ये चल रहा था, समय आप देख लेना। अच्छा, ये अलग अलग किताबों में थोड़ा सा समय ऊपर नीचे होता है ना, ये कभी 185 लिख देंगे, इसको कभी 198 लिख देंगे। ठीक है, तो इस ये मोटा मोटा पीरियड है जिसको मोस्टली NCERT ने अपनाया है। डिमेट्रियस फर्स्ट ऑफ द बैक्टीरिया वॉज द सन ऑफ ये जो था भैया डिमेट्रियस, ये इसका बेटा था। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इसने अपना राज्य ग्रहण किया एंड कन्वेयर द एक्सट्रीम एरिया ऑफ द ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, और इसने ही भारत की तरफ सबसे ज़्यादा जो है राज करने के लिए आक्रमण किए और अफगानिस्तान पाकिस्तान और इन सबको जो है इसने
कवर कर लिया। ही क्रिएटेड इन द ही इज क्रिएटेड विद द रियल इंडो ग्रीक एक्सपांशन इन इंडिया एंड आल्सो बीन द रेफर्ड टू ग्रीक सोर्स एज द किंग ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इसको जो है किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किसमें, ग्रीक जो सोर्स थे, इसकी गुणगान में लिखे होंगे ना, इनके जो चमचे होते थे जिनसे लिखवाते थे राजा की गुणगान के लिए जो है लिखो उनके बारे में, तो उन्होंने इसको, इस भाई को अपने, क्योंकि इसने पाकिस्तान वगैरह ये सब जीत लिया था उस ज़माने में, इसको हिंदुस्तान ही बोला जाता था, इसको इंडिया ही बोला जाता था, अफगानिस्तान पाकिस्तान इन सबको, तो इसको किंग ऑफ इंडिया बोला गया। हालांकि ये दिल्ली तक या इधर कभी नहीं पहुंचा मगध वगध में, परंतु तो यहाँ तक पहुंच गया था। हिज कॉइन बियर लीजेंड ऑफ ग्रीक एंड प्राकृत रिटर्न इन द ग्रीक एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। इसने कुछ सिक्के भी चलवाए जो सिक्के में प्राकृत भाषा में या प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे, ठीक है ना, और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। द कॉइन्स फॉर द इशूड बाय सिल्वर एंड मन ऑफ द कॉइन नोन एज हेरेकल्स, ठीक है। इसने जो सिक्के चलवाए वो सिल्वर के थे, चांदी के थे, और उन चांदी के सिक्कों को बोला जाता था हेरेकल्स, ये याद रखना है ना, हेरेकल्स। हिज कैपिटल वाज द सकाला, इसने अपनी राजधानी बनाई थी पाकिस्तान की सियालकोट, जो आज का सियालकोट शहर है, पहले उसको सकाला बोलते थे, वहाँ पे उसने अपनी राजधानी बनाई थी। विच ही नेम्ड इथुडीमिया इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर, और इसने इस सियालकोट राजधानी का नाम जो है इथमिडीमिया कर दिया था अपने पिता एथिडेमस की याद में, ठीक है ना। हिज कॉइन हैज़ बीन फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, और इसके जो सिक्के हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में बहुत देशों में पाए गए हैं। क्लियर है बात, तो ये चार आ जाओगे। अब देखेंगे पेंटालियन। अब पेंटालियन कौन है, ही वाज सक्सेसर ऑफ द ग्रेको बैक्ट्रियन किंग डिमेट्रियस, इसका बेटा, ये इसका बेटा था, अब इसका बेटा आएगा जिसका नाम था पेंटालियन। ही वाज द सक्सेसर ऑफ द बैक्ट्रियन किंग डिमेट्रियस, ही वाज द फर्स्ट ग्रीक किंग टू स्ट्राइक इंडियन कॉइंस, पर्टिकुलर इरेगुलर ब्रॉन्ज रिप्रेजेंटेटिव लायन विद डांसिंग इंडियन वुमेन, और इसने सिक्के चलवाए थे जिसमें पहले जो है ब्रॉन्ज के सिक्के चलाने का इसने काम किया था। अब क्या होगा, अब इसके बाद देखेंगे एगथोकल्स, एगथोसल्स, एगथोकल्स। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ इथिडीमस, ये जो है इथिडीमस का पोता था, इथिडीमस मतलब ये अपने भैया ये वाले है ना, इसका पोता, इनका पोता, तो इनका जो पोता है ना वो ये भी है, दोनों दो पोते हैं ना, ये भी उन्हीं का पोता और ये भी उन्हीं का पोता है, तो पहले ये रहा, उसके बाद फिर वो ये आ गया अपने भाई की जगह। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ इथिडीमस, ही इशूड ए सीरीज ऑफ पेडिग्री डायनेस्टिक कॉइंस प्रोबेबली विद द इंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग हिज लाइनेज एंड लेजिटिमेट हिज रूल। इसने भी बहुत ज़्यादा सिक्के चलाए, वो किस चीज़ के एडवर्टाइज करने के लिए, लाइनेज और अपनी लाइनेज बताने के लिए और लेजिटिमेट अपने राज्य को बताने के लिए। सिक्कों पर ही सभी चीज़ें होती थी, सिक्कों पर ही ये लोग प्रिंट करते थे, उसी से वहाँ के आर्ट के बारे में और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पता चलता था। लिंकिंग हिम टू द अलेक्जेंडर द ग्रेट, और इसने अपने आप को जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट से कंपेयर करवा दिया, ठीक है ना। और रिफर टू एज एन एंटियोचस निकेटर द फाउंडर ऑफ द ग्रीक बैक्ट्रियन किंगडम डायटस एंड हिज सन डायटस सेकंड, ठीक है। और अपने आप को जो है इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट से जो है कंपेयर करवा दिया कि भी हम उसके वंशज हैं। फिर अब इसके बाद आएंगे अपोलोडस फर्स्ट। अपोलोडस फर्स्ट वाज द इंडो ग्रीक रूलर हु रूल्ड अराउंड 174 to 165, लगभग 9 साल काम किया भाई ने अपने, इन द वेस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडो ग्रीक किंगडम कवरिंग द एरिया ऑफ तक्षशिला एंड पंजाब एंड सिंध, ठीक है। तो ये इनका जो था वो सेनापति था, इसने बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके पंजाब और सिंध वाला जो एरिया था उसमें जो है राज किया, ठीक है, सन 165 BC से 174 BC तक। अपोलोडस फर्स्ट वॉज द फर्स्ट किंग हु रूल्ड इंडिया ओनली लैंड, दिस इज सेड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द इंडोग्रीक किंगडम इन इंडिया एंड ऑल्सो द फर्स्ट रियल इंडोग्रीक, ठीक है ना। और यही पहला व्यक्ति था जिसने भारत में क्योंकि ये पंजाब में था, है ना, पंजाब सिंध वाला जो एरिया ये अब भारत का एरिया है, तो ये ही था जो ओरिजिनली भारत में इंडोग्रीक किंग था जो भारत में आया। उसके पहले वाले जो वो भारत को, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को और उधर काबुल वाबुल इराक को वही भारत समझते थे, ठीक है। तो वाली स्थिति यहाँ इसने जो है ये इसी अपने क्षेत्र में था, तो पहला रियल जो है ग्रीक राजा जिसने भारत में कदम रखा था वो था अपना अपोलोडस फर्स्ट। वॉज वन ऑफ द जनरल ऑफ द डेमेट्रियस फर्स्ट ऑफ द बैक्ट्रिया, है ना। और ये डेमेट्रियस फर्स्ट जो था बैक्ट्रिया का, ये भाई अपना इसका जो था सेनापति था, ठीक है ना। वॉज वन ऑफ द जनरल ऑफ द डेमेट्रियस फर्स्ट। वी कम टू नो अबाउट द अपोलोडस फर्स्ट फॉर द बायलिंगुअल इंडियन स्टैंडर्ड्स कॉइनेज, सिक्कों से ही इनके बारे में पता चलता है। द एनिमल्स जैसे एलिफेंट एंड बुल्स आर डिपिक्टेड इन द कॉइन, और इसके जो सिक्कों में जो है जानवर वगैरह एलिफेंट वगैरह की आपको फोटो मिलेगी। तो ये सात किंग हो गए,
ठीक है ना। अब अपोलोडस फर्स्ट के बाद आता है अपोलोडस सेकंड, ठीक है। अपोलोडस सेकंड रूल्ड इन पंजाब और इसने पंजाब में राज किया सन 80 से लेके 65 BC तक एंड वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर। ही इज सेड टू हैव कॉन्क्योर द तक्षशिला एंड सिम टू बी द सेम डायनेस्टी इन विच द मिनांडर बिलोंग्स टू, ठीक है ना। और इसने जो है तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है जो आज के पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, मतलब आज के पेशावर पाकिस्तान में स्थित थी, उस पर जो है कब्जा किया था, ठीक है। तो और ये अपोलोडस सेफस्ट के बाद राजा बना था। फिर अगला राजा है मिनांडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बौद्ध डायनेस्टी पढ़ी थी तब भी मैंने मिनांडर के बारे में पढ़ाया था, मैं अभी इसको एक बार फिर पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 5 नंबर 11 नंबर में आ सकता है, 11 नंबर में तो क्या ही आएगा, 5 नंबर में आ सकता है, 11 नंबर में तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आ सकती है, ठीक है ना। तो मिनांडर को देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाली सोर्स ही वॉज द कॉल्ड मिलिंद, है ना। जैसे क्या हुआ था, ये कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, एक बार फिर सुनाता हूँ। क्या था कि ये लोग ग्रीक लोग थे, ये भारत में आते थे, इनका काम ही लड़ना था और ये लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो जब ये भारत में आने घुसने लगे, ठीक है ना, तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, एक जगह इसके सैनिक रुके, पानी वानी का रात वगैरह का समय था तो रुके। इसके जो गुप्तचर थे, इसके जो मतलब स्पाई थे, सीक्रेट सर्विस वाले लोग थे, इसने बोला कि काम करो तुम, हम लोग आज रात में यहाँ पर रुकते हो, तुम लोग आगे जाके देखो कि आगे का रास्ता साफ है कि नहीं। तो थोड़ी दूर जाके देखता है ये, तो जब वो पहाड़ पार करके उसके सैनिक या उसके सिपाही उस तरफ जाते हैं, इसके जासूस, तो देखते हैं कि लाखों जो है लोग बैठे हुए हैं और ध्यान लगाए हुए हैं भारत में। तो उसके सैनिक देखते हैं, ये सब देखते हैं, बोले एक आदमी जो है वो माल बहुत लोग बैठे हैं, लाखों लोग बैठे हैं। तो ये उसके जासूस जो है दोबारा जाते हैं इसके पास, मिनांडर के पास, और बोलते हैं कि सर देर आर मैनी पीपल्स, दे आर मिलियंस पीपल्स। तो वो टेंशन में आ जाता भाई अपना मिनांडर, और वो बोलता है कि क्या कर रहे हैं वो लोग, इतनी लंबी सेना लेके तो हमारे पास तो लोग कम है। बोले क्या कर रहे हैं वो, क्या तैयारी है उनकी, हम भी उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। बोले कुछ नहीं कर रहे सर, वो तो बैठे हुए हैं और ध्यान लगा रखा है। बोले बैठे हुए ध्यान लगा रखा है, बोले क्या वो कर रहे हैं वो। तो बोले कि एक व्यक्ति है वो सामने बैठा हुआ है, वो कोई बोल रहा है और बाकी लाखों लोग सामने बैठे हैं, वो बस ध्यान लगा के सुन रहे हैं, ना उनके पास कोई हथियार है ना वो कोई लड़ने के उसमें लग रहे हैं, बस वो बैठे हुए हैं। तो मिनांडर होशियार आदमी था, पढ़ा लिखा था, तो वो जो है भाई गया, ठीक है ना। अगले दिन सुबह हुई तो वो वहाँ गया, तो वहाँ पता चला कि एक बौद्ध भिक्षु थे जिसका नाम था नागसेन। वो नागसेन जी जो हैं, वो नागसेन जो है, नागसेना जी भी बोलते हैं उसको, वो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है बौद्ध भिक्षुकों को ज्ञान दे रहा था, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को बता रहा था, उनके विचारों को। तो मिनांडर भी एक पेड़ के पीछे खड़ा खड़ा ये सब सुन रहा था, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है। और उसने फिर अपने जीवन, क्योंकि परेशान था, परेशान आदमी घूमेगा इतने युद्ध वगैरह लड़ेगा, तो जब उन वो दिन भर उसने उनको सुना तो वो खुद ही जो है पजल्ड हो गया कि यार ना तो इन लोगों को कुछ पाने की इच्छा है, जबकि इनके पास इतने लोग हैं, एक एक हाथ में एक तलवार भी दे दो तो हमारी तो यूँ छुट्टी कर देंगे, पर ना तो ये हमसे लड़ रहे हैं, ना इनको कोई इच्छा है, ना कुछ इनको चाहना है, इनको अलग ही दुनिया में है, भगवान की दुनिया में, तो क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। तो जब उसने दिन भर उनसे बात करी नागसेन से, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो उसके जीवन में जितनी भी जिज्ञासाएँ थी, जितनी भी परेशानी थी, जितने भी सवाल थे, उसने नागसेना से पूछे, नागसेन से, कि भैया ये सब क्या हो रहा है, जीवन क्या है, मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नागसेन ने उनका जवाब दिया है। ये जो जो डायलॉग है इन दोनों के बीच का, इसी को ही जो है नागसेन के जो अनुयायी थे या उसके जो छोटे भिक्षुक थे उन्होंने लिखा है। द डायलॉग बिटवीन नागसेन ए बुद्धिस्ट मॉन्क एंड मिनांडर, इन दोनों के बीच का जो डायलॉग है, इन्हीं डायलॉगों को जो है लिखा गया है, और इस डायलॉग को जो है जो किताब बनी उसको बोला जाता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो मतलब पन्ने जो अपन पेज पढ़ पेज है ना, पेज वाले पन्हो, तो मिलिंद के प्रश्न, या पन्हो को कोई प्रश्न भी बोलता है कि मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। तो मिलिंद पन्हो नामक की किताब लिखी, उसमें मिलिंद ने अपने सारे क्वेश्चन या मिनांडर ने अपने क्वेश्चन पूछे जीवन से रिलेटेड नागसेना से, और नागसेन ने जो है उनके सारे के जवाब दिए हैं। ये किताब जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई बौद्धों के उसमें भी और ग्रीक में भी, ठीक है। तो यही अब कहानी यहाँ पे लिखी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पाली सोर्स ही इज कॉल्ड द मिलिंद, है ना। जब ये भाई अपना वहाँ से आया मिनांडर, वहाँ इसी नाम होते थे अलेक्जेंडर मिनांडर, पर यहाँ पर तो ये सब नाम होते नहीं थे। तो यहाँ पर जब लोगों ने उसका नाम सुना मिनांडर, मिनांडर क्या होता है यहाँ पर, तो उसका नाम बदल के इन्होंने मिलिंदर कर दिया, ठीक है। ये बोलने में अपने अपने इंडियन जैसा नाम लगता है, मिलिंद हो गया ये। ही वॉज द इन्फ्लुएंस बाय द बुद्धिस्ट, ये बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था उस नागसेन के कारण। ही एम्बेरेस्ड द बुद्धिस्ट फेथ ही डिस्क्राइब इन द मिलिंद पन्हो, और मिलिंद पन्हो में इसने बताया है
एक क्लासिकल पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये मिलिंद पनोह क्या है, एक क्लासिकल पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये पाली भाषा में लिखा हुआ बुद्ध भगवान का, ये बुद्धों का एक टेक्स्ट है, एक किताब है। ऑन द डिस्कशन बिटवीन द मिलिंद, किस चीज़ पर लिखी गई है ये, एक डिस्कशन पे, डायलॉग पे, वार्ता पे लिखी गई है। कौन सी वार्ता, जो दो लोगों के बीच में हुई थी, कौन दो लोग, एक थे मिलिंद ये भाई अपना और दूसरा है बुद्धिस्ट सैग नागसेन, ठीक है, बुद्धिस्ट जो साधु था नागसेन और इसके बीच में। द कॉइन ऑफ द मिनांडर हैव बीन इनग्रेव्ड इन द धर्म चक्र ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है ना, और मिनांडर का जो कॉइन है, मिनांडर के समय के जो सिक्के होते थे, जो बुद्ध का धर्म चक्र जो बनाया था, बुद्ध के काल में जो धर्म चक्र परिवर्तन वाला जो कंसेप्ट था, उसमें जो धर्म चक्र बना हुआ है, जो सिंबल है बुद्ध के जीवन की एक चीज़ का, उसमें भी जो है नागसेन के इस सिक्के का फोटो एक लगाया गया है, ठीक है ना। तो ये है बड़े बड़े राजाओं से जो मतलब ये किया गया था। मिनांडर रिगेंड अराउंड 90-85 BC इन द गंदार नॉर्थ मॉडर्न पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, और ये भाई जो है गंदार वगैरह पाकिस्तान उस क्षेत्र में रहा जहाँ पे ये नागसेन वगैरह से मिला था। इट वॉज द मिनांडर हु बिकम मेंशन इन द माइटी यमुनास किंग ऑफ शकाल्स, हिज कैपिटल शाकाला वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न पंजाब, रेफर टू द सियालकोट पाकिस्तान, इसकी राजधानी जो थी वो सियालकोट थी पाकिस्तान की। द कॉइन ऑफ मिनांडर हैव बीन इनग्रेव्ड विद धर्म चक्र ऑफ द बुद्धिज्म, ही इशूड गोल्ड कॉइन ऑल्सो एंड वन ऑफ दिस कॉइन नोन एज एथेंस प्रोमेशियस, ठीक है ना, और इसने सोने के सिक्के भी चलाए थे और इस सिक्के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों का नाम था एथेने प्रोमेशियस, प्रोमेशियस, ठीक है। तो ये हो गया मिनांडर, ये नौ राजा हो गए। क्रोनोलॉजिकली आप समझ रहे हो ना किसके बाद कौन आया, सबसे पहला राजा था ये अलेक्जेंडर के बाद, फिर डियोटस, फिर इथोसमस, फिर डेमेट्रियस फर्स्ट, फिर पेंटालियन, फिर एगथोसियल्स, फिर अपोलोडस फर्स्ट, फिर अपोलोडस सेकंड, फिर मिनांडर, ये नौ राजाओं की क्रोनोलॉजी है। अब अगला राजा देखेंगे यूक्रेटाइड्स, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक बैक्ट्रियन किंग, डिसेंट ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, ही अप्रोप्रिएटेड द इंडो ग्रीक किंग्स एंड स्टार्टेड हिज ओन लाइनेज, ठीक है ना, ये अलेक्जेंडर ग्रेट का ही था, परंतु इसके बाद जितने भी सेल्यूकस निकेटर के जो पोते वोते चल गए थे उन सबको हटा के जो है अलेक्जेंडर का जो ओरिजिनल वंशज था इसने अपने आप को राजा घोषित किया, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना जोइलस फर्स्ट, ही यूज टू सिल्वर कॉइन टाइप सिमिलर टू दैट ऑफ इथ्रीमस सेकंड सन ऑफ द डेमेट्रियस, क्राउंड हैकल्स स्टैंडिंग होल्डिंग द ब्रेथ ऑफ डायमंड इन हैंड एंड द क्लब्स इन लाइंस, ठीक है। इसने भी सोने के सिक्के वगैरह चलाए थे जिसमें जो है इस प्रकार की आराधना थी कि राइट साइड में जो है हैंड में इसने क्लब ले रखे थे, लायन की स्किंग थी लेफ्ट साइड में, इस प्रकार के फोटो के किस सिक्के इसने चलाए गए थे। ही बियर्स ए पाली टाइटल ऑफ धर्मिक्षा फॉलोअर्स ऑफ द धर्म प्रोबिलिटेड टू बुद्धिज्म, और इसने जो है पाली भाषा में इसको धर्मिक्षा कहा गया है। धर्मिक्षा का मतलब होता है फॉलोअर्स ऑफ द धर्म, जो धर्म को पालने वाला हो, और धर्म वाली बातें बौद्ध धर्म में होती थी तो उसको सकता है कि ऐसा माना जाता है कि ये भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी होगा। फिर इसके बाद अगला राजा आता था डेमेट्रियस थर्ड, ही रूल्ड ओवर द एरिया ऑफ गांधार इन पंजाब एंड इशूड ए सिंगल यूनिक मोनोग्राम कॉइन, ये पंजाब वाला गांधार वाला जो एरिया है उसका राजा बना। इसके बाद द इंडो ग्रीक रूलर वर द वन हु कॉइंड कैरिड पोर्ट्रेट ऑफ द किंग एंड देयर नेम्स, है ना, इंडो ग्रीक के समय जो सिक्के चलाए जाते थे उसमें राजाओं का नाम भी लिखा होता था सिक्कों के नीचे। देवर द फर्स्ट रूलर इशूड गोल्ड कॉइन, वो सबसे पहले गोल्ड सिक्के चलाने वाले इंडो ग्रीक थे। दे इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी एंड एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने इंडियन सोसाइटी और एस्ट्रोलॉजी जो होता ना ज्योतिष शास्त्र उसको भी एस्ट्रोनॉमी को भी जो है प्रभावित किया। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द इंडो ग्रीक, और इन्हीं के अंदर में जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है ना, जहाँ पे भवन बनाने की या बिल्डिंग बनाने की, मंदिर बनाने की विशेष कला, क्योंकि गांधार या उस क्षेत्र में या पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो मंदिर या जो भी महल बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, वो एक अलग शैली में बने हुए हैं। भारत में भी, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो घर बने हुए हैं उनकी शैली अलग है, जो साउथ इंडिया में घर बने हैं, जो मंदिर बने हैं उनकी शैली अलग है। तो ये अलग अलग जो शैली होती है, नागर शैली, बेसर शैली, है ना, गंधार शैली, ये अलग अलग शैलियाँ होती है अलग अलग क्षेत्र में घर बनाने की, महल बनाने की, बिल्डिंग बनाने की आर्ट है ये अलग अलग क्षेत्र की। तो इनके समय, इंडो ग्रीक के समय, जो गांधार स्कूल, जो गांधार वाले क्षेत्र का जो डेवलपमेंट था आर्ट का, वो बहुत बढ़िया हुआ था। दे गॉट डिक्लाइन फ्रॉम द टाइम ऑफ बैक्ट्रिया इटसेल्फ वाज अटैक्ड बाय द नोमेडिक ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया पर साथेंस, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सेंट्रल इंडिया के जो कुछ और छोटे छोटे ट्राइब्स थे, ठीक है, उन लोगों ने जो है इन पर आक्रमण किया,
और चूंकि ये जो थे बहुत ही आउटर में पड़ता था इन लोगों के लिए, क्योंकि लोग ग्रीक से थे और वहाँ से जो भारत पर कब्जा करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत दूर पड़ता था, ठीक है, 8-10 देश छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे आना पड़ता था। इस वजह से धीरे धीरे इनकी वीक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण और जो साथियंस थे, मतलब जो शक शकाज जिसको पढ़ेंगे ना अभी, शक शक डायनेस्टी जिस पढ़ेंगे, उन लोगों ने जो इनको हरा के इनका भारत से मुक्त कराया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये है अपनी इंडो ग्रीक में राजाओं की क्रोनोलॉजी, और जिनको साथियंस ने या शकों ने हरा कर भारत में शक डायनेस्टी की फिर राजे भी आएंगे। तो ये 12 राजा हो गए कॉइंस ऑफ इंडो ग्रीक। अब इनके समय जो कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, इंडो ग्रीक के समय, मतलब ग्रीक वालों के समय भी जो कॉइन्स मिले हैं उनकी कुछ विशेषताएं, ये 5 नंबर में आ सकता है, इन प्रीलिम्स में तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉइन्स के नाम ही पूछ लेते हैं कभी कभी कि कौन से वंश ने या कौन से राजा ने चलाया था, तो आप इनको याद रखना। कॉइन्स प्रेजेंट इन द नॉर्थ साइड ऑफ द हिंदू कुश रीजन्स ड्यूरिंग द रूरल आर इंडो ग्रीक, ठीक है, जो पाकिस्तान और उधर की उस क्षेत्र में जो भी कॉइन्स मिले वो सारे इंडो ग्रीक राजाओं के मिले हैं। गोल्ड सिल्वर कॉपर निकल कॉइन्स आर सर्कुलेटेड, किस किस धातु के मिले हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के और निकल के। द कॉइन हैड एन इमेज ऑफ द ग्रीक लेजेंड, इनमें ग्रीक राजाओं के और ग्रीक महान लोगों की जो है इमेजेस मिली है। द इंडो ग्रीक कॉइन्स कंटेन ए रॉयल इमेज ऑफ द ग्रीक डायटीज, और इन कॉइन्स में जो लीजेंड होते थे, ग्रीक लीजेंड भगवान, जो कुछ भगवान जैसे जीसस, एथेना, अपोलो, है ना, इन राजाओं, ये सब होते हैं ना, राजा होते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। अगर आप हॉलीवुड की मूवी भी देखेंगे तो इन पर बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई है। ऑन द रिवर्स आगे राजा का नाम और राजा का फोटो वगैरह और राजा के की आकृति वगैरह रहती थी, और पीछे इन भगवानों के नाम भी लिखे रहते थे जिनको ये मानते थे। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स ऑन द साउथ साइड ऑफ द हिंदू कुश वर द मोस्टली ऑफ द स्क्वायर शेप एंड ऑन द सिल्वर और कॉपर कॉइन, ठीक है ना, जो हिंदू कुश के साउथ में कुछ जो मिले हैं कॉइन्स, उसमें एक तो स्क्वायर शेप के मिले हैं वो, है ना, चौकोर वर्गाकार आकार के मिले हैं, और वो जनरली सिल्वर और कॉपर के मिले हैं। द कॉइन्स वर मेड अंडर द इंडियन वेट स्टैंडर्ड, ठीक है, ये कुछ वेट स्टैंडर्ड था, हर कॉइन बराबर वजन का होता था। दे हैड बायलैंग्वल इंस्क्रिप्शन ग्रीक एंड खरोशी, उनके ऊपर 2 भाषाएँ लिखी गई थी, ग्रीक भी लिखी गई थी और खरोशी भी लिखी गई थी। द कॉइन्स मोस्ट ऑफ द रिलीजियस सिम्बल्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंडियन, ठीक है ना, और इनमें जो बहुत सारे सिम्बल थे वो इंडियन कल्चर से भी प्रेरित थे, ठीक है, इसीलिए बताते हैं कि भारत से भी प्रेरित थे। अगला देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडो ग्रीक रूल। भारत में इंडो ग्रीक लोग आए, है ना, शुंग डायनेस्टी खत्म होने के बाद इंडो ग्रीक लोग आए, तो ये आए उसके बाद चले गए, तो इससे प्रभाव क्या पड़ा, ग्रीक लोग आए और यहाँ तो प्रभाव क्या पड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रभाव तो गांधार स्कूल जो आर्ट थी, है ना, महल बनाने की, घर बनाने की, मंदिर बनाने की या कुछ भी बनाने की जो शैली थी, वो शैली ये यहाँ पे छोड़ के चले गए थे, एक विशेष प्रकार की शैली घर बनाने की, ठीक है, जो पहले यहाँ पर नहीं थी। और भी जो अचीवमेंट है जो भारत में इनके बाद हुए, इनके आने के बाद क्या परिवर्तन है उनको देख लेते हैं। 5 पॉइंट है इनको अभी हमेशा याद रखें। द इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट इशूड द कॉइन विच वॉज आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट टू द किंग्स, है ना, इन्होंने जो कॉइन्स चलाए वो पहले को ऐसे कॉइन्स थे जिसमें राजा का फोटो होता था, उसके पहले जितने भी कॉइन्स थे किसी में भी राजा का फोटो और नाम नहीं होता था, ये बात आप याद रखें। पहली बार राजा के नाम वाले फोटो के साथ जो सिक्के चले वो इन्होंने चलाए। दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन, जो भारत में सोने के सिक्के चलाने का काम भी इनका है, विच इंक्रीज इन नंबर अंडर द कुशाण, और बाद में ये जो इनका नंबर बढ़ेगा। द ग्रीक आल्सो इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर मिलिट्री गवर्नमेंटशिप कॉल्ड स्ट्रेटेजिक फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पावर न्यू रूल्स ओवर द कॉन्कर ऑफ द पीपल, ठीक है ना, इन्होंने मिलिट्री गवर्नेंस के बारे में भी बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि इनकी मिलिट्री कितनी भयंकर थी, मतलब भारत का जितना भी महान राजा हो गया हो, चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करो, अशोक की बात करो, अभी और स्कंदगुप्त आएगा, समुद्रगुप्त आएगा, और भी बाद में अगर मुगलों पर भी जाओगे तो अकबर वगैरह, इन ये सब भारत के मोस्टली भारत के कंटिनेंट तक ही रहे हैं, एक या दो देश से, अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। इन लोगों के पास ग्रीक से लेके भारत तक इतने सारे देशों से होते हुए आ रहे थे, इनके पास आर्मी इतनी ज़बरदस्त थी, तो आर्मी का जो मेंटेन मैनेजमेंट था वो इनका सबसे ज़्यादा अच्छा था, और यही मैनेजमेंट जो है बाद वाले राजाओं ने भारत में सीखा, ठीक है ना, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा था इसलिए तो इन्होंने दुनिया भर पर राज किया, अलेक्जेंडर ने, उन लोगों ने। द ग्रीक रूल इंट्रोड्यूस फीचर ऑफ द हेलेनिस्टिक आर्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन द इंडिया, है ना, अब वो आर्ट की बात कर रहे हैं जो मैं बता रहा था गांधार स्कूल वाले में, वहाँ के जो मंदिर बनाने की जो शैली थी, ये लोगों को जो ग्रीक वगैरह में जो घर वगैरह, मंदिर वगैरह, महल जो होते थे राजा के, वो बनाने की शैली अलग होती थी, तो ये वो शैली जब यहाँ आए और यहाँ पे इतने सालों तक राज किया, तो इन्होंने यहाँ पे वैसे ही घर, वैसे ही मंदिर, मंदिर मतलब वैसे ही भवन, वैसे ही महल और ये सब बनाए, घर वगैरह, और जब ये घर इस प्रकार से बनाए तो यहाँ पर के लोगों ने भी वो चीज़ें सीखी और उसको और आगे बढ़ाया, तो इस प्रकार से नई चीज़ भारत में
गांधार आर्ट आर द लार्जली हेलेनिस्टिक इन द बिगिनिंग, बट द टाइम पासेज द स्टाइल बिकम मोर एंड मोर इंडियन एंड लेस ग्रीक। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने, इंडियन वालों ने उसको इतना अपना लिया कि अब वो इंडियन होगी वो आर्ट। ठीक है ना, द आइडिया रिप्रेजेंटिंग द बुद्ध एज ए ह्यूमन बींग ओरिजिनेटेड विद द ग्रीक। ठीक है ना, और बुद्ध को जो है ये लोग इंसान समझते थे। द ग्रीक कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन ट्रेड बाय द यूज ऑफ कर्टेंस, है ना, और इन लोगों ने भारत में पर्दा पर्दा जो होता है ना, कर्टेंस का प्रयोग पर, क्योंकि यहाँ पे पर्दा पर्दा बहुत होती थी वगैरह वगैरह, तो पर्दा वगैरह जो है यहाँ पे भारत में भी लोग पहले जानते नहीं थे पर्दा वाली चीज़ें, तो पर्दा जो थी उसको भारत में जो है इन्होंने यूज़ किया। ठीक है ना, और स्टेज मैनेज बैक स्टेज, पर्दा वाला मतलब पहले क्या होता था, पहले स्टेज पे शो होते थे, पर्दा हटता था और फिर कुछ लोग नाटक करते थे, पहले मनोरंजन का यही साधन था, पहले टीवी वगैरह तो थे नहीं आज से हज़ारों साल पहले, तो पहले क्या होता था जो नाटक वाली जो कला थी पर्दे के पीछे, है ना, जब टीवी पुराने आज अगर आप वो देखने जाते थे सर्कस, तो एक पर्दा हटता था और फिर चीज़ें चालू होती थी, आप नुक्कड़ सीरियल या इस प्रकार से जाते तो एक पर्दा हटता है और फिर चीज़ें चालू होती है, तो पर्दे में सिनेमा वाली जो प्रोसेस थी, पर्दा हटेगा और फिर लोग आके नाटक करते थे और इन्जॉयमेंट होता था, तो पर्दे वाला जो सिनेमा वाली जो प्रोसेस है वो इन लोगों ने चालू करी थी उस ज़माने में। ठीक है ना, इतने डेवलप हो गए थे। इंडियन एस्ट्रोलॉजी केम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक आइडिया, फ्रॉम द ग्रीक टर्म होरोस्कोप वॉज डिराइव्ड इन द टर्म्स ऑफ होरोस्ट्रा यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन द संस्कृत। ठीक है ना, तो ये जो है एस्ट्रोलॉजी में जो भारत ने एस्ट्रोलॉजी सीखी इनसे, है ना, जिसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, और ज्योतिष शास्त्र ही जो है होरोस्कोप वगैरह सब होता है ना, उसमें आप सुबह देखोगे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे एक पंडित जी बैठे रहते हैं, वो ज्ञान देते हैं कि आपकी राशि ये है, आपको इस वीक ये होगा वो होगा, तो इस प्रकार से जो होरोस्कोप देख के जो बताते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी वाला जो कंसेप्ट है भारत में पहले कोई जानता नहीं था यहाँ पे, ग्रह तारों नक्षत्र और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के बारे में इन लोगों को बहुत आइडिया था, है ना, इनके पास नजूमी होते थे, नजूमी मतलब जो लोग ज्योतिष के ज्ञाता होते थे, और वो राजा को बताते थे कि अगर चांद की रात में अगर आप लड़ने जाओगे तो आपकी विजय होगी, है ना, जब 7 तारे आपस में मिलेंगे तब विजय होगी, उस समय आप हमला करना तब दुनिया पे राज करेंगे, तो इस प्रकार के लोग ज्योतिष शास्त्र पे तारों के उस पर बहुत भरोसा करते थे, और वो कंसेप्ट भारत में जब इतने साल से तक रहे तो भारत के लोगों ने भी वो कंसेप्ट सीख लिया तारों का, तारों से सीखने का ज्योतिष से, है ना, तो ये सारी चीज़ें भारत में इंडो ग्रीक के लोगों के आने के बाद भारत ने सीखी। तो यहाँ तक जो है इंडो ग्रीक का मैंने कंसेप्ट आपको पूरा बता दिया है। इसके बाद जो है जब इंडो ग्रीक का आखिरी राजा जो था उसको ख़त्म करके भारत में जो है शक डायनेस्टी या शक जो लोगों ने जो है अपनी स्थापना करी अपने राज्य की, और इसके बाद जो अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो शक पढ़ेंगे, शकाज। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको, इतनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली आप देखेंगे ना तो एक के बाद एक है, आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। कोशिश करें नोट्स बनाएं, ठीक है, नोट्स बड़ी मुश्किल से बनाए हैं, लिखना पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तो दूसरी चीज़ें ये कंटेंट इतना शॉर्ट में इतना अच्छे से बनाने में बहुत समय लगता है, तो ये है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहें। ठीक है, इसके बाद जो है मैं शक अगली क्लास में पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है।